तक आप सुविधा शुल्क नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला है। क्या तो रेट है 8,000-10,000 जिसका जैसा छोटा बड़ा जैसा आप लेंगे वैसा 10,000-8,000-12,000-15,000। जी हाँ, इस व्यक्ति के मुँह से जो रेट आपने सुना है वो किसी प्रोडक्ट का नहीं है बल्कि जिले में फायर विभाग द्वारा जारी किए जा रहे सर्टिफिकेट का रेट है। तस्वीरों में दिख रहा व्यक्ति एक स्कूल संचालक है। शासन द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि अब हर स्कूलों को फायर फाइटिंग उपकरण और उसका सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। इसी के लिए ये व्यक्ति मऊ फायर विभाग के दफ्तर पहुंचा था और व्यक्ति के अनुसार वहां मुंशी हरिओम ने सर्टिफिकेट के लिए इससे पैसों की डिमांड कर दी। फिर क्या था, स्कूल संचालक बिना सर्टिफिकेट बनवाए ही वापस लौट आया और फायर विभाग पर गंभीर आरोप लगाया है। आप खुद ही सुन लीजिए। मामला ये कि ये जो फायर वाले बगैर पैसे का कोई काम नहीं करते, विद्यालय के हम लोग बनवाने के लिए गए थे, विद्यालय में अनिवार्य कर दिया गया शासन की तरफ से, उसी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हम लोग गए। वहाँ एक मुंशी है, नाम तो नहीं पता है, तो बगैर पैसे का कोई काम ही नहीं कर रहा, पैसे बगैर पैसे के लोगों को भगा दे रहा है। क्या कि मतलब जब तक आप सुविधा शुल्क नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला है। या तो रेट है 8,000-10,000 जिसका जैसा छोटा बड़ा जैसा आप लेंगे वैसा 10,000-8,000-12,000-15,000 से। तो आप दिए पैसा? नहीं, पैसा कहाँ से, भाजपा की सरकार में स्वच्छ सरकार चल रही है तो स्वच्छ कम से कम ये संदेश भी स्वच्छ जाए समाज में। फोटो है मोबाइल में, फोटो लिया हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको पेश भी कर सकता हूँ। इस पूरे मामले पर जब हमने फायर विभाग के सेकेंड ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार फायर अधिकारी का होता है और इस समय वो छुट्टी पर हैं और खुद को नया होने का हवाला देकर मुंशी पर लगे आरोपों को नकार दिया और कहा कि अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो जांच करा ली जाएगी। हमारे यहाँ जो भी प्रमाण पत्र जारी होते हैं ये सब जो है मुख्य अग्निशमन अधिकारी की देख रेख में होता है और इसलिए हमारे मुख्य अग्निशमन अधिकारी समय ट्रेनिंग पे चल रहे हैं, क्योंकि इस समय तो कोई हो ही नहीं रहा, कार तक तो नहीं रहा, कोई भी कार्य इस समय चल नहीं रहा है, नहीं आ रहा। रही भी प्रचार प्रसार के लिए जो है गा के लिए लोग कहे गए होंगे, लोग कोई भी कोई किए होंगे, सुरक्षा व्यवस्था कर ली जाए, देख लिए होंगे, किए होंगे, ऐसी कोई भावना नहीं है। बता दें कि फायर विभाग पुलिस विभाग के अंदर आता है, ऐसे में इस तरह के आरोप लगने से पुलिस की छवि भी धूमिल होती है। अब देखना होगा कि पुलिस महकमा इस मामले में क्या रुख अपनाता है। मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।